सुजानपुर टेहरा के समीर कुमार ने सुजानपुर के वार्ड नंबर 9 से अपना नामांकन पत्र भरा है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि वार्ड की गलियों में टाइलें लगाई जाएं, नालियों की साफ सफाई करवाई जाए, बुजुर्गों की सुरक्षा एवं चोरी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वार्ड में लोगों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि उनकी दूसरी मुख्य प्राथमिकता रहेगी कि लोगों का हाउस टैक्स कम किया जाए, कूड़े का शुल्क कम करना मुद्दों को उठाया जाएगा ताकि लोगों पर इसका अतिरिक्त बोझ न पड़े। मैं समीर वर्मा, वार्ड नंबर 9 सुजानपुर टीरा से मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। जनता का उम्मीदवार हूँ मैं। जनता के प्यार और विश्वास के ऊपर मैंने ये नामांकन पत्र अभी 12:20 पर नगर परिषद SD महोदय जी के पास दाखिल कर दिया है। मेरी प्राथमिकताएं यही रहेंगी, जो हमारी गली में टाइलें डालनी है वो टाइलें डाली जाएं, नाल नाले की सफाई हो, नालों के ऊपर जो जंगले नहीं है वहाँ जंगले डाले जाएं, और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और चोरी जो होती है उसकी अप्रिय घटनाओं के लिए वार्ड में CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि हमारे वार्ड में सुरक्षित माहौल बन सके। और मेरी दूसरी प्राथमिकता ये है कि आज से 2 साल पहले कूड़े का शुल्क नहीं लिया जाता था, वो शुल्क लिया जा रहा है उसे कम से कम किया जाए, लोगों के ऊपर बोझ ना डाला जाए कूड़ा शुल्क का, और हाउस टैक्स कम से कम करना ताकि कोरोना की जो जनता के ऊपर मार पड़ी है, जिस जनता की इनकम कम हुई है, और हम हाउस टैक्स कम करेंगे ताकि जनता के ऊपर उसका बोझ ना पड़े और जनता अपनी जरूरतें पूरी कर सके। कि 5 साल में मेरे साथ आप वार्ड में चलिए, मैं तो सबको कहता हूँ वार्ड में चलिए। पूरा पार्षद अगर वोट मांगने जाएगा, लोगों से पहचानते नहीं पूरा पार्षद उनका था कौन, पूरा पार्षद वार्ड में गया ही नहीं, 5 साल पार्षद का चेहरा ही वार्ड में नहीं देखा गया है। अगर वो आज वोट मांगने जाते हैं तो वो राजनीति के वोट होंगे, वो एक तुष्टिकरण के वोट होंगे, वो एक जातिगत राजनीति के वोट होंगे, वो एक दल के वोट होंगे। पिछले 5 साल पार्षद ने अनदेखी की है। 5 साल में 365 × 5 कर लीजिए आप, मतलब 1700-1800 दिन होते हैं, तो एक दिन भी किसी के सुख दुख में वो पार्षद नहीं दिखा है। तो आज जनता उससे हिसाब मांग रही है, पूछता है सुजानपुर उस पार्षद को या उस पद के उस दल के पार्षद को या भावी पार्षद को वोट हम या मेरी जनता किस आधार पर दे।